भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के माउंट एसीसी स्कूल के पास बच्चे को छोड़ने स्कूल आई प्रियंका कुमारी से दो बदमाशों ने चाकू के बल पर कंगन, चैन, मंगलसूत्र समेत अन्य जेवर छीनकर फरार हो गए। महिला बच्चे को छोड़ने सुबह स्कूल आई हुई थी। इसी क्रम में दो बदमाश महिला को चाकू सटाकर उसके पहने हुए जेवरात को लूट लिया। लूट के क्रम में बदमाशों ने महिला को कहा कि वो हंसती रहे नहीं तो गोली मार देंगे। वहीं लूट की सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। घटना के बाद मौके पर तिलकामांझी थाना पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट गई। वहीं दिन दहाड़े व्यस्तम इलाके में हुई लूट से लोगों में खौफ का माहौल है। लूटी गए जेवरात की कीमत करीब 5 लाख से अधिक की बताई जा रही है। पूरे मामले पर पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। इस मामले को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, सीसीटीवी खंगाल कर जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला ये हुआ था कि हमने रोके, दोस्तों हमको धमकाने लगा कि तुम चुपचाप हंसते रहो और बोलते रहो मेरे साथ और ज्यादा चलाके मत करना, तुम्हारा बेटा वो किडनैप करना, तुम्हारा देवर के साथ भी वो आता है, गोली मार देंगे, किडनैप करके चाकू से आपको मार देंगे। कौन था कुछ पता? बोला चुपचाप चलो बच्चा छोड़ो, अब बाहर निकलना, अंदर कोई होशियारी मत करना, नहीं तो कभी ना कभी तुम्हारे बच्चा को जान मार देंगे। और हम जानते हैं कब कब वो आता है, किसके साथ आता है। हाथ में हथियार भी था क्या? एक चाकू था। क्या क्या उसके बाद? चैन छीना, चैन था, कंगन था, कंगन था, मंगलसूत्र था और कान में बालू था। कितना का नुकसान? भारी भारी था, 7 लाख से ज्यादा। भागलपुर की गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव बजरंगबली स्थान के समीप नौगछिया से तीनटंगा जाने वाली सड़क से सटे जयप्रकाश के घर में देर शाम चौकी के नीचे एक जहरीला सांप की प्रजाति रसेल वाय पर निकला। एक अलग तरह से दिखने वाले सांप को देखकर घर में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आसपास के लोगों के सहयोग और सूझबूझ से रात भर बोरे में बंद कर जहरीले सांप को रखा गया। जैसे ही इस अलग ढंग के जहरीले सांप मिलने की खबर आसपास में फैली, देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया। बाद में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें, पिछले 4 दिनों में जिले के अलग अलग स्थानों से विश्व का सबसे दूसरा जहरीला रसेल वाय पर पाए जाने से लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। भागलपुर में एक मजार गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता नमूना पेश कर रहा है। यहाँ सबसे पहले चादरपोशी हिंदुओं की तरफ से की जाती है। इस दरगाह की खासियत है कि लोग यहाँ हनुमान चालीसा, दुर्गा पाठ भी करते हैं और कुरान भी पढ़ा जाता है। एकता की मिसाल कायम करता हुआ यह दरगाह अपने आप में अनूठा है। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोग अपनी दुआओं के लिए यहाँ आते हैं और उनकी दुआएं कबूल भी होती है। आज जो है मेहदी शाह अंजान शाह के दरगाह पे आए थे और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी उसके अवसर पर यहाँ पे जो चादर पेशी का कार्यक्रम हुआ और इस दरगाह में आए हुए जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है इस दरगाह में और बहुत ही शक्ति इस दरगाह की। और ये जानकर मैं भी आज यहाँ पे पहुँचा हूँ और यहाँ पे जो है सरकार के सामने माथा टेके हैं और सभी लोगों के लिए, भागलपुर वासियों के लिए यहाँ पे दुआ मांगे हैं कि भागलपुर वासी जो है सभी सुरक्षित रहे। अब यहाँ जीता जागता ये मजार है मेरे नज़र, हम तो बहुत जगह गए हैं लेकिन हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है और हजरत से अक्सर जो कोई भी दुख होता है, तकलीफ़ होता है, आकर के हम इनसे निवेदन प्रार्थना करते हैं और किसी न किसी रास्ते से किस तरह सॉल्व होता है ये हमको भी पता नहीं चलता है लेकिन मेरे समस्या का समाधान होता है। शायद बहुत लोग ऐसा कहेंगे, यहाँ पर आप अगर आप आके हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे और गीता का भी पाठ कर लेंगे तो यहाँ इनको कोई तकलीफ़ नहीं है और ये खुश होते हैं। और यहाँ से यहाँ कोई मौलवी मौलाना इस रोजे पर नहीं बैठते। अगर आपको तकलीफ़ है यहाँ आकर के आप बोलिए, आप 3 दिन आकर के लगातार बोलेंगे, 4th दिन आपको मार्गदर्शन मिलेगा, ये हम कह सकते हैं विश्वास के साथ। और जहाँ से भी आपको तकलीफ़ होगा तो यहाँ से आदेश होगा कि आप इस तरह से कीजिए, आपके मन में उत्पन्न होगा कि हमको ये काम करना है। खासियत सरकार हजरत अंजान सर रहमतुल्ला, हजरत मेहंदी सर रहमतुल्ला के यहाँ सभी हम लोग भाई हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई ये नहीं है, सभी एक दूसरे का यहाँ जो आते हैं उनका हर मुकाम, हर चीज़ जो भी मानता है वो पूरा होता है। हमने खुद सरकार को अपने आँखों से मुझसे मिले हैं, मुझे आगे के रास्ता बताते हैं क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, क्या नहीं करना चाहिए, रूबरू खुद हुए हैं और ऐसे शायद मुझे कहीं और देखने को मिला है। और सबसे बड़ी यहाँ खूबी ये है कि इनके यहाँ का पहला जो चादर आता है वो हमारे यहाँ घर से चल के पहला चादर हमारा आता है, जो कि हम हिंदू होते हुए भी यहाँ के वो मुझे विरासत मिला है
और हम चाहते हैं कि मेरे आगे मेरे बाल बच्चे भी इस विरासत को लेके चले। ये यहाँ के लिए भागलपुर के लिए बहुत अच्छी एक मिसाल है, जो कि घर से किसी के घर से चादर चल के यहाँ पहला चादर हम लोग का यहाँ चढ़ता है। और जितने भी हम लोग भाई बहन यहाँ पे सब मिल के काम करते हैं, यहाँ कोई ये फंड या कुछ किसी का कोई ये नहीं, हम लोग अपने मन से अपने जेब से खर्च करके ये सब सारा प्रोग्राम करते हैं। और बारहवीं शरीफ के दूसरे दिन आज के दिन यहाँ हमारे सरकार का उर्स होता है, जन्मदिन होता है, जो सब मिल के हम लोग भाई सब करते हैं। नाम नौशाद आलम है, ठीक है। ये यहाँ मज़ार शरीफ पे निःशुल्क निस्वार्थ झाड़ू देते हैं, लुभान जलाते हैं। इनका जो काम है साफ करना है, निःशुल्क निस्वार्थ ये जुड़े हुए बहुत बरसों से, ठीक है। और उसके बाद जो है इनकी मौजूदगी बहुत लोग आते थे जाते थे, अपना काम करते थे चले जाते थे। यूँ थे भागलपुर का चप्पा चप्पा मेहरी शाह अंजान साहब को जानता था। और लेकिन कुछ लोग को हो सकता कि मतलब जो है कुछ ख्वाब हुआ हो या मतलब कुछ चमत्कार होता है भाई, चूँकि आप जानते हैं सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी ओलियाए कराम है, जहाँ जहाँ शक्ति बल है, शक्ति स्थान है, वहाँ लोग जाते हैं। उसी तरह यहाँ भी लोग कुछ आए, मुसलमान भी आए, हिंदू भी आए, तो दोनों को ला के ना यहाँ से आने से फ़ायदा हमको हुआ है। मेरे घर के अंदर उलझन हो, क्या हो, कुछ भी है, वो आते हैं अपना बैठ के यहाँ पर जो भी है वक्त गुजारते चले जाते हैं। अब वाकई यहाँ पर कोई फीस नहीं लगता है, होता कि भाई पैसा दरो तब दान दो, कुछ नहीं है। आप भी आ सकते हैं, 10 मिनट वुज़ू करके बैठ जाइए और अपना उस परवरदिगार को याद कीजिए, उनके सदके तुफैल में, इनके सदके तुफैल में आपको काम हो जाएगा। खासियत ये है कि यहाँ पर एक चीज़ देखा हमको जो मिला है जब से मैं जुड़ा हूँ, कि यहाँ पर का एक अच्छा सौहार्द क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एक मतलब सेंट्रलाइजेशन जो है, विकेंद्रीकरण जो है, जैसे कि एक जमावने होता है, एक आकर्षित होता है कि ये भेदभाव नहीं है। हमको पता नहीं चलता कि चंदन कौन है, आलोक कौन है और ये विजय कौन है, लगता कि हम लोग सब एक परिवार के हैं। एक ये खासियत मुझे आज भी मिला। और जब जब भी मैं आया, आज मैं भी बहुत दिनों से आ रहा हूँ, ये लोग बुलाते मुझे हैं। मैं हाफिज़ आफ्ताब अनवर, मैं पेशे शिक्षक हूँ, प्राइवेट शिक्षक हूँ। ये चीज़ है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर किसी से कोई दक्षिणा नहीं है कि भाई अपना इतना दो तो तुम्हारा काम होगा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि यहाँ अपने से गीता पाठ भी कर लेंगे। हाँ, अपना मन से कीजिए ना, मैक नहीं, हम मैक कुछ नहीं है, मैक नहीं ना, वॉच भी नहीं है। अब बैठ के कुछ भी करिए आप। अब देखिए होता क्या, श्रद्धा से आप बैठ के कीजिए, आप अपना किसी को पुकारिए यहाँ पर, ये कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, यानी डिस्टर्ब ना हो, ज़बरदस्ती नहीं हो। आप यहाँ पर किसी को याद करिए, बैठ के वुजू कर लिए आप, गीता पढ़िए, इस बार पढ़िए, लेकिन माइकिंग नहीं हो, या अपना जो है बैठ करके पढ़िए आप। एक होता है ना माइकिंग करने से क्या होता है, एक विवाद होता है, हम भी कुछ कुछ पढ़ेंगे तो एक विवाद चीज़ है। लेकिन जो मन से हो, मन की बात जो होती है वो अल्लाह को, ईश्वर को ज़्यादा पसंद है। यानी बराए वो प्रचार करने से, माइक से हल्ला करने से, वो ज़्यादा बेहतर स्थान में ये होता कि वो दिल का जुड़ाव हो किसी भी स्थान में। बिहार सहित भागलपुर में डेंगू के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार विशेष पहल करते हुए सभी अस्पतालों में बेड, दवाइयां और उनसे बचने के लिए कई तरह के उपाय करते दिख रहे हैं। भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ अजय कुमार सिंह ने बताया कि डेंगू बिहार में तेजी से फैल रहा है और बच्चों पर इसका खासा असर हो रहा है, इसलिए इस रोग से बचने के उपाय के तहत उन्होंने कहा कि पूरे शरीर को ढक कर रखे और आस पास पानी जमा होने न दे। साथ ही उनके पहचान भी बताए, उन्होंने कहा कि अगर सिर दर्द, मन का मचलना, उल्टी होना, मांसपेशियां, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में सूजन, त्वचा का खुजलाना हो तो समझिए कि डेंगू का प्रकोप है और इसके तुरंत बाद अपने चिकित्सक से मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू एक वायरल बीमारी है, लेकिन वो मच्छर के काटने से होता है। यह रेनी सीजन में ज़्यादा होता है और अभी पीक होता है। इसमें जो पनपता है उसके बारे में जानकारी पहले होनी चाहिए कि ये साफ पानी में पनपता है और वैसे जगह जो अस्थिर पानी रहता है। तो सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ भी इस तरह का बर्तन है, ट्यूब है पुराना, कोई पुराना बर्तन है जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, या ऐसा गमला है जिसमें पानी फंस रहा है, तो वैसे सारे पानी को, उसके स्रोत को बंद कर देना चाहिए। और नहीं तो उसी में पनपेगा और मच्छर फिर पनप के वो काटने से डेंगू होगा। तो यदि उसका जब मच्छर पनपने के स्थान को आप मिटाते हैं तो उससे बचाव है। दूसरा, ये डे बाइटर होता है। मलेरिया का मच्छर रात में काटता है, जबकि ये डे बाइटर ये दिन में काटता है। तो दिन में हम लोग प्रायः मच्छरदानी नहीं लगा के घूमते हैं, तो प्रकोप किस जिस समय का सीजन ज़्यादा रहता है तो मॉस्किटो का रिपेलेंट आता है, क्रीम आता है, ख़ास करके बच्चों में विशेष रूप से लगाएं, चूँकि बच्चे जल्दी हिलाते नहीं हैं या सावधान नहीं रहते हैं। दूसरा कि उसमें जो कपड़ा जो पहनाना है वो आप जितना ढक के रख सकें, क्योंकि मच्छर कपड़े के ऊपर से
नहीं काट पाएगा और उसे डेंगू का प्रभाव कम होगा। तो इस तरह से बचने का उपाय है इसमें। और बता दें कि डेंगू यदि हो गया तो इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम किसी किसी को होता है, बच्चा नर्वस होता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है, तो प्रायः ये आराम से ठीक हो जाता है, प्लेटलेट घटता है और प्लेटलेट फिर चढ़ाना पड़ता है। दवा इसका स्पेसिफिक नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन कभी कभी डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है तो ऐसा कोई लक्षण हो कि बच्चा बेचैन लगे, नर्वस लगे, तो उसको तुरंत एडमिट कराएं, अन्यथा आप घर से इलाज कराएं, लेकिन सावधानीपूर्वक चिकित्सक के संपर्क में रखें। भागलपुर के सहाकुंड थाना क्षेत्र के कस्बा खेरही पश्चिम टोला में दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल मोहल्ले में सूखा कुआं में एक बकरी गिर गई थी, जिसके बाद मोहल्ले के ही मोहम्मद जसीम के 26 वर्षीय बेटे मोहम्मद सद्दाम कुएं में गए, जिसके बाद कुएं में गैस से वो बेहोश हो गए। फिर उसे बचाने मोहम्मद सरफराज भी गए, वो भी अंदर में बेहोश हो गए, जिसके बाद दो अन्य और लोग गए जो आधे से ही वापस लौट आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। दोनों को बाहर निकाल अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और अस्पताल में भी जमकर बवाल काटा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सदर एसडीओ संजय कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और बताया कि दो लोग कुएं में गिरी बकरी को बचाने के दौरान जहरीली गैस से कुएं में ही बेहोश हो गए। आनन फानन में स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां की दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों व्यक्ति के परिजनों को जल्द ही सरकार के द्वारा दिए जाने वाला मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही हंगामा करने वाले लोगों को चिन्हित कर कानूनी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने बताया कि मोहल्ले में 40 फीट से अधिक गहरा कुआं है जो सूखा है, उसमें पहले बकरी गिरी, जिसे बचाने गए सद्दाम और सद्दाम को बचाने गए सरफराज की गैस से मौत हो गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और सद्दाम पहले घुसा था निकालने के लिए, सद्दाम को अंदर में गैस लगा और सद्दाम ने उसी के अंदर रह गया। दूसरे आदमी गया सरफराज, उसको निकालने के लिए, बचाने के लिए, उसको भी अंदर जाने के लिए या उसको भी गैस लग के वो अंदर रह गया। तीसरा आदमी भी जा रहा था, उसको भी गैस लग रहा था, वो जो थोड़ा इशारा किया उसको ऊपर निकाला गया। चौथा आदमी जो गया तो उसको भी उसी हालात में हुआ, तो फिर पचमा को कोई कोई जाने आने मत दिया। छठा भी गया था, उसको पैर में सीख का बना कर पैर में तो जैसे छाड़ा है ना लोहा का जो बना के उसको लंबा 30-40 फीट का होगा, उसको एंगल की तरफ 30-40 फीट, 40 फीट में 40 फीट गैस बना हुआ था और उसको पैर में कुछ नहीं हो। हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल में जितना दिन तक डॉक्टर का जांच पड़ताल करने का था वो कर लिया जांच पड़ताल, उसके बाद तो देखा दोनों मृत्यु हो चुका था। भागलपुर में रेल पुलिस की लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिली है। सुल्तानगंज भागलपुर रेल खंड के पटेल नगर गांव के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से 25 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। मृतिका की पहचान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के साहाबाद दुधेला गांव निवासी दिलीप मंडल की पत्नी अशोका देवी के रूप में हुई थी। वहीं रेल पुलिस के द्वारा महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए रेल थाने से भेजा जा रहा था, लेकिन रेल पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर नजर आई। मृतक महिला के शव को दो लोगों को सौंप दिया गया कि वो शव का पोस्टमार्टम करा ले आए। दोनों व्यक्ति शव को ठेले पर ही लेकर पोस्टमार्टम के लिए निकल गए। रेल पुलिस ने एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की और दो लोग ठेला पर शव लेकर जाते नजर आए। लोगों का कहना था कि उन्हें इस काम के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं। वहीं जब रेल पुलिस ठेला पर शव ले जाने वालों को इतने पैसे दे रही है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, यह सवाल खड़े हो रहे हैं। बॉडी ले जाने को कितना मिलता है? हमको एक बॉडी में 5,000 मिलता है, उसमें दो आदमी है। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं है वहाँ? एम्बुलेंस नहीं है, रेलवे का है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मंगल। कहाँ घर है? केतरिया। अच्छा ठीक, तुम्हारा क्या नाम है जी? मोहम्मद अफरोज। कहाँ घर है तुम्हारा? पंखा डोली हल्द्वार। पंखा डोली है, कहाँ ले जा रहे हो बोलो? मंगल।
भागलपुर की जगदीशपुर बायपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने गुप्त सूचना के आधार पर बंगाल से बेगूसराय जा रहे यात्री बस से 35 कार्टून में छिपा कर रखे गए 1680 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बता दें, बायपास थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश को गुप्त सूचना मिली थी कि बंगाल से बेगूसराय जाने वाली जगदम्बे ट्रेवल नामक बस में शराब की खेप ले जाई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर बस को रोक कर तलाशी ली गई, उसमें 35 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए गए। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन की दोनों सीट से जीत की बात कही है। विधायक ने कहा कि चुनावी मैदान में बाहुबली नहीं है, बाहुबली जेल में है। विधायक ने कहा कि महागठबंधन के बारे में किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। गुजरे हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है और विकास की रफ्तार यूं ही जारी रहेगी। कोई आ रहे, कोई जा रहे, कोई रुकता दिखता है, लेकिन उनका जो गांव है वहां पे अभी तक विकास नहीं हो पाया जो विकास होना चाहिए था। नीतीश कुमार लगे हुए हैं, नीतीश कुमार पैदल यात्रा किए हैं, नीतीश कुमार लगे हुए हैं, विकास होगा वहां पर। विधानसभा का दो उपचुनाव है, मोकामा और गोपालगंज में, क्या लग रहा है उपचुनाव? दोनों जीतेंगे हम लोग। मोकामा में दोनों बाहुबली लड़ रहे हैं, दोनों जीतेंगे। जो हमारा कैंडिडेट है ना वो जीतेगा। बाहुबली किसको कहते हैं? बाहुबली किसको कहते हैं? बाहुबली तो जेल में है, बाकी हमारा कैंडिडेट कोई बाहुबली नहीं होता है। हमको भी लोग कहते हैं दबंग, दबंग हम हैं कि वाजिब बात बोलते हैं। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर स्थित एक कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाई करने वाले छात्र से मोबाइल चोरी कर भाग रहे चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद कंप्यूटर क्लास में पढ़ रहे छात्रों ने सीसीटीवी के आधार पर मोबाइल चोरी कर भागे गए चोर बाली नामक युवक को पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगी। उसने बताया कि उसके साथ सागर नाम का एक युवक और भी था। कंप्यूटर सेंटर से 4 मोबाइल लेकर वो फरार हुए थे। काफी पूछताछ के बाद जब पकड़ में आए चोर ने कुछ नहीं बताया, तब कंप्यूटर सेंटर के मालिक ने बरारी थाने की पुलिस को बुलाकर चोर को बरारी थाना के पुलिस के हवाले कर दिया गया। वही पुलिस चोर को हिरासत में लेकर उसके साथी के बारे में पूछताछ कर रही है और मोबाइल बरामदगी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। फोन चोरी का मामला, हाँ, 3:08 में ये दोनों दोस्त मिलके आया, कुछ मीटिंग किया, ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया। इसका एक फ्रेंड फोन लेके भाग गया यहाँ से, KYP का फोन था, 4 फोन था, 4 फोन लेके भाग गया। हम लोग उसको पकड़ने के लिए भी गए तो भाग गया, नहीं पकड़ाया। 4:00 में इसको देखे तो हम लोग पकड़ के यहाँ लाए, जैसे पूछताछ कर रहे तो नहीं कुछ बता रहा। हाँ, इसका दोस्त सागर, इसका सागर नाम बताया, ये अपना नाम बाली बता रहा है, यहाँ खंजरपुर के पास SM कॉलेज के आगे। कौन सा क्लास है? ये KYP का क्लास, मैक्सवेल कंप्यूटर सेंटर है ये।